तो फिर भाई अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो एंड अगर आप चाहते हो कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आप स्टॉप लॉस लगा सको तो फिर आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर स्टॉप लॉस लगाने के लिए सबसे पहले आपको ऑर्डर में जाके पोजिशन के अंदर आपको चले जाना है। उसके बाद आपने जो भी स्टॉक बाय किया होगा सामने में आपको देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको उस स्टॉक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पास में से आपको अगर आप चार्ट देखना चाहते हैं तो चार्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पास में आपको नीचे में आपको स्टॉप लॉस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस बार आपको डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्टॉप लॉस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पास में से आपका कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पास में से आप देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस का ऑप्शन ऑन है। एंड यहाँ पास में से अगर आप क्वांटिटी कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पास में से आपको टारगेट प्राइस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पास में से आपका जो भी मार्केट चल रहा होगा उस मार्केट के हिसाब से यहाँ पास में से आप कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पास से सेट कर लीजिएगा। जैसे कि मार्केट 380 पे चल रहा है तो आप कितना तक स्टॉप लॉस लगा सकते हो यहाँ पास में से सेट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पास में से लगा लेता हूँ 370। फिर ट्रिगर प्राइस सेट करने के बाद यहाँ पास में से आपको प्राइस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पास में से आपने जो भी ट्रिगर प्राइस लगाया है उससे 1-2 रुपया कम ही यहाँ पास में से आपको सेट करना है। एंड यहाँ पास से प्राइस में मैं डाल देता हूँ 368। एंड जैसे ही मार्केट का प्राइस 370 पे आ जाएगा ट्रिगर प्राइस एक्टिव हो जाएगा एंड जो हमने प्राइस सेट किया है 368 मार्केट इससे नीचे गिरने से पहले ही कट जाएगा। फिर उसके बाद आपको सेल पे क्लिक कर देना है। सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पास में से कन्फर्म कर देना है और इसके बाद यहाँ पास में से जो आपका ऑर्डर है वो सबमिट हो जाएगा। फिर आपने जो भी ऑर्डर किया यहाँ पास में से पेंडिंग में दिखा देगा। एंड अगर आप अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करना चाहते हो, कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो यहाँ पास में फिर से आपको अपने स्टॉक पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पास में से आपको एडिट ऑर्डर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। एंड अगर आप ट्रिगर प्राइस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पास में से आप ट्रिगर प्राइस भी चेंज कर सकते हैं। एंड अगर आप प्राइस भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पास से प्राइस भी चेंज कर सकते हैं। फिर आपका ऑर्डर एडिट करने के बाद यहाँ पास में से आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद नीचे में आपको दिखा देगा कि स्टॉप लॉस मॉडिफाई यानी कि जो भी चेंजेस किए होंगे वो सक्सेसफुली यहाँ पर से दिखा देगा। एंड अगर आपको स्टॉप लॉस को कैंसिल करना है तो कैंसिल करने के लिए फिर से आपको वही स्टॉक पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर से नीचे में आपको कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करोगे फिर कुछ इस तरह का आपको पेज ओपन हो जाएगा, ये इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर में से आपका जो भी ऑर्डर रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा और नीचे में मैसेज भी दिखा देगा। एंड अगर आपको अपने स्टॉक को सेल भी करना होगा तो फिर आपको अपने स्टॉप लॉस को कैंसिल करके ही आपको सेल करना पड़ेगा। एंड आई होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर नए वीडियो के साथ तब तक लेते हैं।